नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदौर में महिला मित्र का फ्लैट फूंका, इसकी इनसाइड स्टोरी। दोनों शादीशुदा कैफे में मिले, फिर जबरदस्ती साथ रहने की जिद ने बिगाड़ी दोस्ती। इंदौर के कनाडिया इलाके में महिला मित्र के फ्लैट में आग लगाने वाले आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पिछले एक साल से महिला को परेशान कर रहा था। इसे लेकर पीड़ित महिला थाने में भी शिकायत कर चुकी थी। MIG थाने में केस दर्ज कराया तो आरोपी के परिवार जनों ने महिला से माफी मांगकर मामले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया तो वह खुद को निर्दोष बताने लगा। कहने लगा कि फ्लैट में लगी आग को बुझाई है। जब फुटेज दिखाए गए तब उसने कहा कि महिला बात नहीं करती, इसलिए नाराज था, गुस्से में आकर फ्लैट में आग लगा दी है। पर ये कैसे पीड़िता को परेशान करता था, सन की आरोपी। बिल्डिंग कनाडिया के आलोक नगर में है। महिला 34 साल की आरोपी तरुण ढकेता सुखलिया ने फ्लैट में सिर्फ इसलिए आग लगा दी क्योंकि महिला उससे बात नहीं करती थी। महिला का पति नहीं है, वह यहाँ दो बेटों के साथ रहती है। तरुण को पिछले 3 सालों से जानती है। आरोपी कई बार साथ रहने के लिए दबाव बना चुका है। महिला इस बात से लगातार इनकार करती रही। 1 साल से महिला उससे बात करना बंद कर दी। आरोपी तरुण रोजाना कई बार कॉल करके परेशान करता। महिला तंग होकर महिला थाने पहुंची, शिकायत की, लेकिन वह नहीं माना। शादीशुदा है आरोपी, पत्नी से चल रहा है केस। आरोपी शादीशुदा है, बच्चे भी है। 4 साल पहले पत्नी को छोड़ दिया, दोनों के बीच केस चल रहा है। तरुण की हरकतें कथित रूप से मेंटल की तरह है, वह महिला के साथ में रहना चाहता है। महिला इस रिलेशनशिप के लिए राजी नहीं है। एक बार उसने नाराज होकर महिला पर हाथ भी उठा दिया था। इसके बाद से ही महिला बात करना बंद कर दी। परिवार ने कहा हमारा लेना देना नहीं। महिला ने बताया कि आरोपी सन की किस्म का है। उसके पिता फाइनेंस का काम करते हैं, एक भाई सुखलिया में मिठाई की दुकान चलाते हैं। घर में लोगों को कई बार उसे समझाने को कहा, शुरुआत में तो उन्होंने भी सपोर्ट किया। बाद में कहा कि तरुण से उनका कोई लेना देना नहीं है, कार चुरा कर ले गया, घर से रुपए भी निकाले। आरोपी तरुण की सनक लगातार बढ़ती गई। साल भर पहले महिला ने बात बंद की तो उसने घर के बाहर से कार चुरा ले गया, घर से 85,000 रुपए भी निकाल कर ले गया। कनाडिया थाने में शिकायत करने पर उसने कार लौटा दी थी। इतना ही नहीं, 7 महीने पहले महिला MIG इलाके में पार्सल लेने गई तो आरोपी ने जान से मारने की नियत से कार से टक्कर मार दी। इस मामले में भी पीड़िता ने तरुण के खिलाफ MIG थाने में केस दर्ज कराया था। बर्थडे पार्टी में गई थी तब आया कॉल। महिला ने बताया बिल्डिंग में ही रहने वाली एक अन्य महिला के बेटे का बर्थडे होने के चलते वे पार्टी में गई थी। तब तरुण का कॉल आया, वह मिलने के लिए धमकाया, इनकार किया तो कहा कि तेरे फ्लैट में आग लगा दी है, जाकर देख ले। मुझे पहले लगा कि सिर्फ धमकी दे रहा है। बिल्डिंग से कॉल आया तो पता चला कि घटना सही है। फ्लैट पर पहुंची तो सब कुछ तबाह हो चुका था। यहाँ पर करीब 21 फ्लैट है, सभी में परिवार रहते हैं। समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पीड़िता ने बताया कि उनका आलोक नगर इलाके में कैफे है, यहाँ तरुण आता जाता था। 3 साल पहले यहीं से बात हुई, वे ट्रेवल्स का काम करने का बताया था। महिला ने बातचीत में तरुण को बता दिया कि वे पति से अलग है। इसके बाद आरोपी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने इनकार कर दिया। आरोपी को लेकर काफी समय से अलग अलग थानों के चक्कर लगाती रही, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। MIC सदस्य राजेंद्र राठौड़ ने एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निगमायुक्त व अपर आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है, दलालों के माध्यम से एक ही आवास के लिए एक से अधिक व्यक्तियों से पैसा लिया जा रहा है, बकायदा रसीद भी काटी जा रही है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन, अब नो टेंशन। शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।